बहुत से लोग जो मेरे से पूछ रहे थे कि कोई ऐसा तरीका बताओ कि मतलब कि जो मैं एडिटिंग करता हूँ इमेजेस ट्रांजिशन की, कि वो कैपकट की जगह काइन मास्टर से कर सके, मतलब बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, मैं काइन मास्टर से एक तरीका है जिससे आप बहुत आसानी से, जिसमें मैं 400 इमेज, 200 इमेज, आपने 100 इमेज के आज तक जो ट्रांजिशन करी होगी वो काइन मास्टर से मैं करता था। वैसे ज़्यादातर मैं कैपकट से करता था, लेकिन कैपकट में ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि कैपकट में यह है कि आप ट्रांजिशन, जब ट्रांजिशन होती है ना उसमें, तो इसमें इफेक्ट का ऑप्शन होता है, तो इसमें इफेक्ट का ऑप्शन नहीं है 0.1 सेकंड पे, लेकिन कैपकट में ऑप्शन है, इसलिए मैं कैपकट ज़्यादा यूज़ करता हूँ मतलब चलाने के लिए। लेकिन मैं आपको काइन मास्टर बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले आप काइन मास्टर ओपन कर लो, उसके बाद आपको जो भी मतलब आपको इमेज एडिट करनी है और आपको जो भी साइज चुनना है वो चाहे साइज चुन लेना वीडियो का, मैंने 16x9 चुना है। अब आप जो भी इमेज आप सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब मैंने स्पाइडरमैन के लिए, मैं आप सबका कितने कितने पे सेट करनी है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, उस हिसाब से इनको सेट कर लेना। तो पहले आपको इमेज में आपको दिखाता हूँ कितने सेकंड पे आपको सेट करनी है, फिर आपको सेटिंग में जाके जो दूसरी मतलब दो इमेज सेलेक्ट करनी है वहाँ से चेंज कर, जब भी आपको देखिए यहाँ जब भी आप सेटिंग में जाओगे आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा सारे, मतलब कि कितने कितने सेकंड पर सेट करने है, तो आपको सेटिंग में बार बार जाके वो चेंज करना है, क्योंकि ये एक तरीका है जिससे आप क्विकली एडिट कर सकते हो एक अच्छी ट्रांजिशन। और ज़रूरी नहीं है आप इसको फोटो में यूज़ करो, उसको आप वीडियो में भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। आप इसको अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो, खुद की वीडियो में यूज़ कर सकते हो, या आप किसी और की एडिटिंग, मतलब जैसे मर्जी आप इसको अपने हिसाब से जैसे मर्जी आप एडिटिंग को यूज़ कर सकते हो, कर मतलब करो इसी तरह से आपको सेट करते चले जाना है और इमेज सेलेक्ट करते चले जाना है। जब मैं इसको सेट करता हूँ दोस्तों, तो मैं इनको टैप करते हुए गिनता हूँ, जैसे मैंने बताया आपको 35 इमेज चूज़ करना है, तो मैं जब भी टैप करता हूँ तो उसको वहाँ पे गिनता हूँ, तो आपको भी गिनना ही है 47 इमेज है फिर। और अगर आप कैप कट से करोगे तो वहाँ पे इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि आप इसमें इफेक्ट नहीं लगा पाओगे, जब मतलब कि स्लाइड होगी ना फोटो है तो आप वहाँ पे इफेक्ट नहीं लगा सकते, कैप कट में क्या सिस्टम है आप वहाँ पे लगा सकते हो, इसलिए मैं कैप कट यूज़ करता हूँ। पर काइन मास्टर भी कर देगा, लेकिन इसमें वो बात नहीं आती जो उसमें आती है वहाँ पे। तो बस इसी तरह से आपको सारी इमेजेस सेलेक्ट करते चले जाना है। देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, शायद मैंने ये एडिटिंग सच बताऊँ तो ये 8 मिनट के अंदर कर दी थी। इसमें आपकी टोटल इमेज शायद एक कितने इमेजेस थे ये तो मैं खुद भूल गया, 2, 1, 3 इस तरह से आपको एडिट करते चले जाना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरे चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आता है, स्ट्राइक आती है, और मेरे पे सब आता है दोस्तों। अभी मेरे पे स्ट्राइक आ रखी है, और इससे पहले पिछले साल भी मेरे पे स्ट्राइक आई थी, लेकिन ये है कि पूरी अब तक मेरे पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 स्ट्राइक एक साथ आ गई, हमेशा एक बार मतलब किस्मत की बात है कि एक ही स्ट्राइक मारता है। इस बार वन ऑफ ब्रॉस वालों ने मारी है, लेकिन सिर्फ एक ही पे मारी है। अब तो पर शायद क्या पता सब पे मार दे, चैनल खतरे में है, लेकिन मैं ये ऐसा एक और चैनल खड़ा कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा चैनल कल पूरा स्ट्राइक से बंद भी होता है तो। देखिए चलने के बाद कुछ इस तरह से लगे कि मैं दिखाता हूँ, इस तरह से चलने के बाद ही लगे ऐसे ही मैनेज करता हूँ। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करो दोस्तों। मैं आपको अच्छे से अच्छा तरीका बताऊंगा और मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको सिखा सकूँ पूरी तरह से। देखिए कोई भी ऐप है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, यहाँ पे कोई भी ऐप है, काइन मास्टर है, कैप कट है, आफ्टर इफेक्ट है, बहुत और बड़े बड़े ऐप हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास जब वही चीज़ नहीं कि करना कैसा है तो वो नहीं फायदा है ना, मतलब वो चीज़ आपको आनी चाहिए कि मतलब मज़ा ही कैसा आएगा, मतलब एक गाना लगाना भी आना चाहिए आपको। मेरी बहुत सी वीडियो में तो ऐसा ही कुछ एडिटिंग होता ही नहीं, सिर्फ गाना ही लगा होता है, लेकिन वो बहुत लोगों को पसंद आती है।
बहुत ज्यादा ऐसी रहता है जो रील सिस्टम होता है, रील्स जैसे कहते हैं स्वैग वाले वीडियो, जैसे रील्स बनाते हैं, इनमें भी वीडियो में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक गाना होता है और लोगों को बहुत पसंद आती है। तो दोस्तों जब आप ये चीज़ करना सीख जाओगे ऑटोमेटिकली आपके भी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग और आपको भी बहुत ज़्यादा जल्दी गेन हो सकता है। थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हाँ मैं स्ट्राइक की बात कर रहा था, और मैं जरा अभी मैंने मेरे पे अभी वॉर्नर ब्रॉस की स्ट्राइक आ रखी थी पिछली बार, मेरे पे पता नहीं किसके आए थे पिछली बार, पिछले साल वो ट्रेन टू बुसान जो टू पिन सोला क्या नाम था उस मूवी का, उस चीज स्ट्राइक आई थी क्योंकि मैंने उसका सीन डाल दिया था। इस बार वॉर्नर ब्रॉस वाले की स्ट्राइक आई है, और कॉपी क्लेम तो आते रहते हैं, और कंटेंट आईडी भी मतलब मेरे पे आती रहती है, लेकिन इससे चैनल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्ट्राइक से पड़ता है। अगर वॉर्नर ब्रॉस वालों ने दूसरी स्ट्राइक मार दी और तीसरी और किसी उसने मार दी तो मेरा चैनल पूरा ही खत्म हो सकता है, लेकिन देखते हैं किस्मत की बात है, अगर हो भी जाएगा तो मैं ऐसा चैनल मैंने कहा ना मैं दोबारा खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मैं चीज़ को जानता हूँ कि करना कैसे है। कॉपीराइट कंटेंट पे तो देखो जो चीज़ पहले, जैसे कि कोई भी कैरेक्टर है, आयरन मैन है, आयरन मैन पहले से ही बहुत ज़्यादा फेम है, अगर मैं उस वीडियो डालूंगा तो वो फेम मेरा नहीं उसी का ही है मतलब। तो कॉपीराइट जो कंटेंट होता है उस पर फैन फॉलोइंग बढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, मतलब नहीं होता, लेकिन मुझे इस चीज़ से ये चीज़ पता चला है कि मैं एक अच्छा मतलब मैं अच्छा अगर मैं अपनी वीडियो पे कल ये सब चीज़ करूँ जो एडिटिंग मतलब मैं दूसरे की वीडियो पे करता था, तो मैं भी उस पर भी मैं ग्रो कर सकता हूँ, और मैं आगे से कोशिश करूँगा मैं अपनी ही वीडियो एडिट करके आगे दूँ मतलब। थैंक यू सो मच।